सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपनी थार बुक कर दी है। मेरी ड्रीम कार है थार, 4x2 पेट्रोल ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। तो देखते हैं गाइज, 3 महीने इसका वेटिंग पीरियड है, तो उसके बाद गाड़ी हमारे पास आ जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। तो थैंक यू गाइज, सब आपके वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हमें आज गाड़ी बुक कर ली हमने। देखते हैं क्या होता है और कैसे कैसे होता है पूरा प्रोसीजर। और थैंक्स टू माय मॉम डैड पेरेंट्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। जब गाड़ी आएगी जब ज़्यादा मज़ा आएगा। सर ने हमें गाड़ी दिलाई, सबने नाम बताइए आप। प्रखर। प्रखर, थैंक यू सर। हाय हाय, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। और आज हम जा रहे हैं, आपने ऑलरेडी टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा, एंड ये जो यहाँ पे कहानी है बहुत महीनों से चल रही थी। मतलब तो बेसिकली 2 महीने से कहानी चल रही थी, हम वेट कर रहे थे कि भाई कब आएगी कब आएगी कब आएगी। एंड फाइनली यहाँ पे मेरी पहली गाड़ी आ चुकी है। मतलब हम उसकी डिलीवरी लेने जा रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी इनकम से पहली कोई चीज़ है इतनी बड़ी जो हम ले रहे हैं। तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो एक बार भी चला के नहीं दिखी टेस्ट ड्राइव में। इन्होंने चला के देखी है, मैं तो चला के भी देखी। हाँ, तो देखते चला। तो गाइज, हमारी इनकम से पहली हमारी गाड़ी एट द एज ऑफ 20। आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी, व्लॉग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टे ट्यून्ड रहे ऐसे और प्यारे प्यारे व्लॉग्स से। और अब तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। गाइज, फटाफट से चलते हैं डिलीवरी लेने और मिलते हैं आपसे वहीं पे, शुरू करते हैं इस व्लॉग को। सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं एंड अभी 24 मिनट्स लगेंगे। 5 o'clock की डिलीवरी बोली, हम 4:56 भी पहुँचेंगे। तो फटाफट चलते हैं और फिर डिलीवरी लेते हैं अपनी नई गाड़ी की, जो कि अभी आप देखोगे कौन सी होने वाली है। गाइस, देख सकते हैं आप हमारी गाड़ी, एंड सेक्सी लग रही है बहुत ज़्यादा। फाइनली इसका मैं 2 महीने से वेट था और आ चुकी है। यस, सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं महिंद्रा, एंड टाइम पे आ चुके हैं। गाड़ी सामने खड़ी हुई है हमारे, एंड मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अपनी गाड़ी की। तो फटाफट से आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ पर मैंने रील डाल दी होगी इससे ऑलरेडी पहली, तो जाके फटाफट फॉलो करें। सो गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमने फाइनली अपनी थार 4x2 ऑटोमेटिक ले ली है, एंड फटाफट से सेरेमनी करते हैं कम्प्लीट और जाते हैं घर वापस। एक ही बार में तोड़ना पड़ेगा, इसी में एक ही बार में यहाँ नजदीक में, और इसमें से जो पानी निकलेगा, जल निकलेगा, उस पे डालना है, कसके मार दे नीचे, उस पे कसके मार। हाँ, एक ही बार में मारना, कसके मार, कसके मारिए, कसके मार मार। हाँ बाबा, हो गया हो गया, पानी पानी दे। जय जय हो, जय हो। पूजा वगैरह सब डन हो चुकी,
की है। फिलहाल अभी सब लोग आराम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा गाड़ी हल्का सा घुमा के आऊँ, देखता हूँ भाई थोड़े फीचर्स के बारे में, देखते हैं भाई एवरेज वगैरह क्या दे रही है, तो एक बार दिखाता हूँ कैसी गाड़ी है हमारी। देख सकते हैं हमारी बीच यहाँ पे खड़ी हुई है, तो फटाफट चलते हैं, थोड़ी बहुत चला के देखते हैं इसको एंड थोड़ा बताता हूँ आपको इसके अंदर के बारे में मैं। सबसे पहले वही बेल्ट लगा लेते हैं। ये गाइस इसकी चाबी है, दिस इज द की गाइस, एंड अभी थोड़ी लाइट का इशू है, बी साइड में खड़ा हूँ मैं, एंड ये हमारी चाबी है, तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं हमारे बीस्ट को। नाइस। सो गाइस अभी तक तो एक्सपीरियंस तगड़ा रहा है एंड मज़ा आ रहा है इसको चलाने में गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा। गाइस अभी तो एक्सपीरियंस फिलहाल काफ़ी सही है, बढ़िया है, एंड बेसिकली इसकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड ये वैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ऑटोमेटिक, एंड 2000 सीसी का। इससे नीचे वाले मॉडल्स वो डीजल मैनुअल थे, एंड उसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 साल के अराउंड है, बट इस वाला जो वेरियंट है, थोड़ा मैं एसी बंद कर लेता हूँ, हाँ, तो इस वाला जो वेरियंट है बेसिकली इसकी वेटिंग अभी वैसे अब वैसे बढ़ गई है, और लगभग 4 से 6 महीने हो गई है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है, आई डोंट नो, सबके वो स्टोर वाइज मतलब शोरूम वाइज डिपेंड करता है, बट अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में, क्योंकि अलग एक्सपीरियंस, एक थार आपको पता है एक सपना होता है, मतलब एक शौक होता है, तो इसलिए भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स कि जिन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस देखी और हमने यहाँ तक हम पहुँचे कि हम अपनी खुद की गाड़ी ले पा रहे हैं, तो गाइस थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हो। इंस्टाग्राम में मैंने रील ऑलरेडी डाल दी थी, तो जिन्होंने नहीं देखी जाके आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लो। एंड बेसिकली एवरेज की बात करूँ तो हाँ, थार का एवरेज थोड़ा कम रहता है, बट हाँ ठीक है, अभी एक दो ट्रिप्स इससे लगाएंगे फिर हमें पता लगेगा कि थोड़ा क्या इसका एवरेज बेसिकली रहने वाला है। तो वैसे एसी बहुत इसका फाड़ू है ना, एसी बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका, बाकी थोड़ा एक रफ एक रिजिड गाड़ी बनाई है, बाकी एक दो चीज़ में मॉडिफिकेशन डेफिनेटली आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मैं डालने की कोशिश करूँगा कि हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन कराई है, तो आप उसको डेफिनेटली देखना, वो मॉडिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड आई थिंक उसकी वजह से गाड़ी और एक अच्छा उसमें लुक आ गया है। बाकी गाइस व्यू तो हमेशा थार से बहुत अच्छा रहता है, व्यू के लिए लोग तरस जाते हैं गाइस, ये बहुत ही तगड़ा व्यू होता है, ऐसा लगता है बहुत ऊंचे लेवल पे बैठा हूँ गाइस मैं, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हो बेसिकली ये ऑटोमेटिक वाला है, पूरा यहाँ पे मॉड्यूल दे रखा है यहाँ पे कि पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड या आपका हो गया ड्राइव मोड। ये मैनुअल मोड जब हिल के लिए बेसिकली यूज करा जाता है, अगर आप हिल वगैरह पे आप जा रहे हो तो इस थोड़े गाड़ी को उठाने के लिए, वैसे अपने ऑटोमेटिक में भी उठी जाएगी ये। बाकी ये बात गई स्पेस की, स्पेस इसमें ठीक है, पीछे लगभग आराम से 3 लोग आ सकते हैं, एंड वैसे बेसिकली 2 लोगों के लिए बनाई गई, बट हाँ मतलब पीछे 2 लोगों के लिए, टोटल तो 4 लोग हो गए, बट पीछे बेसिकली 2 लोगों के लिए बनाई गई, बट हाँ 3 लोग भी आ सकते हैं, तो स्पेस वाइज अच्छी गाड़ी है। सो बेसिकली इसके बारे में और थोड़ा आने वाले व्लॉग में थोड़ा मैं आपको बताता रहूंगा गाड़ी के बारे में, है ना। आई होप कि गाइस आपको डेफिनेटली व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो, है ना, ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूंगा मैं, एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में, और फटाफट से गाइस चलते हैं वापस घर। तो थोड़ा बहुत बाहर निकाल के लेके आया था गाड़ी को कि भाई कैसे चल रही है, अभी तो बहुत अच्छी चल रही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे विद अस, गुड बाय बाय। उतर के ना बार बार देखने का मन कर रहा है कि भाई गाड़ी ऐसी है कि भाई देखने का मन करता है, उतर के भाई पीछे मुड़ के देखो एक बार, भाई कितनी सेक्सी लग रही है यार, वाह मजा आ गया देख के।